अगर आपकी कोई शॉप है, अगर आपकी कोई दुकान है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, मान लीजिए अगर आप ज्वेलरी की शॉप है आपकी, या फिर आपकी ग्रोसरी स्टोर है, या फिर आपका कोई साइबर कैफे है, किसी भी प्रकार की अगर आपकी एक शॉप है, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन दुकान एवं पंजीयन स्थापना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कोई एक शॉप है जो कि व्यापारिक रूप की है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अगर आप दुकान पंजीयन या स्थापना अधिनियम के अंतर्गत करा लेते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं और आपको इसका एक लाइसेंस भी दे दिया जाता है। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपनी दुकान का पंजीयन, जिसे गुमास्ता पंजीयन भी कहा जाता है, कैसे करवा सकते हैं। गुमास्ता पंजीयन या दुकान पंजीयन कराने के लिए बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि अलग अलग स्टेट हैं तो अलग अलग रूल है। आज की इस वीडियो पे मैं आपको MP यानी कि मध्य प्रदेश का गुमास्ता पंजीयन कैसे करते हैं, दुकान पंजीकरण कैसे कराते हैं, इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, और इसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन कहाँ करना है, कैसे करना है, ये पूरी प्रोसेस बताऊंगा। सो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देख लेते हैं कि गुमास्ता पंजीयन या दुकान पंजीकरण कैसे कराया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये लेबर डिपार्टमेंट MP.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर राजस्थान, तो आप वहाँ की लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, या फिर नॉर्मल आप टाइप करेंगे जैसे कि UP शॉप रजिस्ट्रेशन एंड नीचे एंटर प्रेस करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट आएगी uplabor.gov.in। तो आप इस वेबसाइट पर जाके यहाँ अपनी दुकान का पंजीकरण कर सकते हैं। चूँकि मैं मध्य प्रदेश का करके बताने वाला हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, अमेंडमेंट, रिन्यूअल विथ अमेंडमेंट अंडर MP शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 एंड MP रूल्स 1959। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी गई है, जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एप्लीकेंट के लगेंगे। इसके बाद ओरिजिनल चालान ऑफ रेमिटिंग रजिस्ट्रेशन फीस, तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने चालान फॉर्म आ जाएगा। चूँकि अब ऑनलाइन चालान कटने लगा है, तो आप ऑनलाइन चालान लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फ़ोटो ID ऑफ ऑनर, यानी कि ऑनर की फ़ोटो ID लगेगी। अगर आप ऑनर और एप्लीकेंट दोनों सेम हैं, तो आप अपनी दे सकते हैं। इसके बाद वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स ID प्रूफ के तौर पर ऑनर का होना चाहिए। इसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑनर का चाहिए, जिसके लिए आप राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, LPG गैस कनेक्शन, ऑनरशिप डीड या 500 रुपये का रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं। अगर आप रेंटल एग्रीमेंट 500 रुपये से कम का देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहां से आपको एक लिखित रूप से दे दिया जाता है कि जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है, वो मिनिमम 500 रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ लोकेशन शॉप, यानी कि जहां पर भी आपकी दुकान है, उसका आपको एड्रेस प्रूफ देना है। उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कनेक्शन दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं, या फिर आप रेंटल एग्रीमेंट इसमें भी दे सकते हैं। दोनों जगहों पर 500 रुपये का रेंटल एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ आपके सामने कुछ फ़ी स्ट्रक्चर्स वगैरह दिया हुआ है, जैसे फ़ी फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इफ़ नो वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, जैसे कि कोई आदमी एम्प्लॉय नहीं है तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये लगेगी, 1 से 3 आदमी है तो 150। इस प्रकार से यहाँ सारी फ़ीस दी गई है, सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रोसीड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आप अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन दुकान खुलने के 1 महीने तक करा सकते हैं, तो आपको निशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है, यानी कि लेट फीस आपको नहीं लगती है। जो भी चालान की रिसिप्ट होती है, वही आपको पे करना होता है। जैसे यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है। नेम ऑफ एप्लीकेंट में सबसे पहले आपको आवेदक का नाम लिख देना है, यानी कि जो एप्लीकेशन कर रहा है। अगर आपकी शॉप में आप इंडिविजुअल आदमी हैं, आप ही शॉप ऑनर हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पर अपने पिताजी का नाम। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट स्टेटस,
तो यहाँ पर आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप की फर्म है या फिर आप मैनेजर हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का टाइप, जैसे आप खुद के प्रोप्राइटर या ऑनर हैं तो इसे चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, आप यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर फिल कर देंगे। ऊपर सारी डिटेल एप्लीकेंट की रहेगी। अगर आपको मैनेजर ये एप्लीकेशन कर रहा है तो अपना आपका मैनेजर सारी डिटेल फिल करेगा। इसके बाद अदर पार्टनर इन्वॉल्व इन बिजनेस, अगर कोई और पार्टनर आपका बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देंगे। जैसे कि अगर आप मैनेजर या फिर अकाउंटेंट हायर करके रखते हैं तो आप यहाँ पर उसका हवाला दे सकते हैं, डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखेंगे, उसका एड्रेस देंगे, यहाँ पर नाम देंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर रो ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार करके आप दो से चार जितना भी करना चाहें सारे लोगों का यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पर शॉप इस्टेब्लिशमेंट डिटेल है तो अब आपकी जो दुकान है वो कहाँ पर है, जो आपका दुकान है वो कहाँ पर बना हुआ है उसका पूरा आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ शॉप का एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर फिल करना है टेक्स्ट बॉक्स में, तो आपकी दुकान का जो भी नाम है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपकी शॉप का एड्रेस क्या है वो आप यहाँ फिल करेंगे। यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ से शॉप की कैटेगरी चूज़ करेंगे, जैसे कि आपकी शॉप कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की है, रेस्टोरेंट ईटिंग की है या किसी अदर प्रकार की शॉप है या थिएटर वगैरह है। जैसे हमारी कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा शॉप टाइप एम्प्लॉय वाइज, तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉय आपने हायर किए हुए हैं, 0 से 3 एम्प्लॉय जैसे हम यहाँ पर चूज़ करते हैं। यहाँ पर बिजनेस का प्रकार आ जाएगा कि आपकी किस चीज़ से रिलेटेड शॉप है, जैसे प्राइवेट हॉस्टल है या फिर फ़ोटो आईडी की शॉप है या फिर कोई नर्सरी है या फिर कोचिंग सेंटर है, जो भी है आप इसे यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यहाँ पर कॉल सेंटर चूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर डे वीक ऑफ, आपकी दुकान कब ऑफ़ रहती है, तो अगर कभी नहीं रहती है ऑफ तो नो एप्लीकेबल कर देंगे, अगर संडे टू संडे ऑफ़ रहती है तो संडे आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑनर टाइप है, तो ऑनर टाइप में आपकी प्रोप्राइटरशिप की फर्म है या फिर लिमिटेड फर्म है या फिर पार्टनरशिप की फर्म है। जैसे आपका इंडिविजुअल कोई बिजनेस है तो आप प्रोप्राइटरशिप चूज़ करेंगे, अगर आप की पार्टनरशिप में है यानी कि एक से दो लोगों के बीच की फर्म है तो आप इसे चूज़ करेंगे सेकेंड नंबर, अगर कोई लिमिटेड रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट के अंतर्गत तो आप लिमिटेड फर्म रजिस्टर्ड कर देंगे। नीचे आएंगे मैनेजर एंड एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप किसी मैनेजर को रखते हैं तो उसकी सारी डिटेल देंगे, मैनेजर का नाम, मैनेजर के पिताजी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, मेल और फीमेल टोटल कितने हैं वो यहाँ पर आप देंगे। इसके बाद यहाँ पर न्यू अकाउंटेंट अगर कोई आपने हायर किया है तो उसका नेम ऑफ अकाउंटेंट उसका देंगे और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एड्रेस देंगे। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड रेमिटेंस डिटेल यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आता है, ये लास्ट स्टेज है कॉलम। यहाँ पर टोटल अब जब सारी डिटेल फिल करते हैं तो आपको फ़ीस कैलकुलेट करके यहाँ पर पता चल जाता है कि कितनी फ़ीस रजिस्ट्रेशन आपको देना है। जैसे हमारे केस में यहाँ पर इसने 200 रुपये कैलकुलेट किया हुआ है, ये 200 रुपये का चालान आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन चालान जमा करने के लिए आप नया टैब ओपन करेंगे, साइबर ट्रेजरी सर्च करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट आएगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, इस पर क्लिक करेंगे। ऑफिस नेम में आप लिखेंगे शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके बाद डिपॉजिटर नेम अपना नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप डिपॉजिटर अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप चूज़ करेंगे एक्ट, तो यहाँ पर एक शॉप रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको हेड का एक ऑप्शन मिलेगा फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद पर्पस आपको डाल देना है शॉप रजिस्ट्रेशन, डेट आपको चूज़ करनी है करेंट डेट, जो भी डेट है वो आप करंट की चूज़ करेंगे। अमाउंट आपको वो यहाँ पर फिल करना है जितना अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे यहाँ पर 200 रुपये का अमाउंट शो हो रहा है तो 200 आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप 200 का पेमेंट करेंगे, जो भी रिसिप्ट जनरेट होगी उसमें CRN नंबर, CIN नंबर सब कुछ लिखा हुआ होता है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आप दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन चालान करेंगे तो CI नंबर, CRN नंबर और चालान डेट, चालान नंबर सब यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सेव डिटेल्स एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप सेव डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपकी मेल आईडी में प्लस आपके मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर, डमी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, डॉकेट नंबर। यहाँ पर आप एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म ए, इस पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स जो भी आपने फिल की हुई हैं वो इस फॉर्म पे होती हैं, इसे आप ओपन करेंगे। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो होती हैं। इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे और इसका पीडीएफ आप बना लेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस ऑफ शॉप लोकेशन, ओरिजिनल चालान, एप्लीकेंट फॉर्म, फोटोग्राफ ऑफ शॉप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और उसे आप ट्रेस कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पर या जीमेल पर भेजा गया है उसका यूज़ करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा फिल करेंगे और शो माई स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पर शो होगा। अगर डिस्पोज हो जाएगा तो इसे आप प्रिंट माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप पीडीएफ रीडर में ओपन करेंगे तो ये जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है वो हट जाएगा और सही का निशान ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दुकान का। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप अपना दुकान पंजीकरण या गुमास्ता पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना चाहें तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।